हाय गाइज, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, यानी कि ओवरव्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का। और हमने जाना था कि क्या नीड है इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट की, और एक डेफिनेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। और हमने ये देखा था कि नॉर्मल तरीके से ही उसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब बेसिकली वहाँ पर भी एविडेंस का कलेक्शन और इवेल्यूएशन करेंगे और वहाँ पर हम उसकी रिपोर्ट देंगे और बेसिकली एसेट को सेफगार्ड करेंगे। लेकिन एसेट जो सेफगार्ड करेंगे वो आपका इन्फॉर्मेशन एसेट होगा, यानी कि डेटा, इन्फॉर्मेशन और उसके पीछे जो रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा है तो उसके पीछे जो है सॉफ्टवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर के पीछे हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर या कंप्यूटिंग इक्विपमेंट होगा और उसके पीछे आईटी सिस्टम्स, सॉरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटी होगी। तो ये पूरी एक चेन बन जाएगी, पूरी एक इन्वायरमेंट बनेगा और इस ये पूरा एसेट होगा, इसे हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम एसेट कहलाएंगे। तो इसे सेफगार्ड करना पड़ेगा, डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स अचीव करने पड़ेंगे जो कि प्रॉफिट मेकिंग है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स प्रॉफिट मेकिंग गोल्स हैं, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो। और फाइनली जैसे ट्रेडिशनल ऑडिट में हम रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं देखते हैं, यहाँ पर भी ये चीज़ देखेंगे। तो स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट अगला टॉपिक है हमारी स्टडी का, और उसमें बताया कि बेसिकली कहाँ कहाँ जगह पर क्या क्या कंट्रोल्स हमें देखने पड़ेंगे, कौन कौन से कंट्रोल रिव्यू करने पड़ेंगे, उसी के हिसाब से स्कोप होगा। और ब्रॉडली हमें उन कंट्रोल्स को टेस्ट करना पड़ेगा और एश्योरेंस देना पड़ेगा, यानी कि ओपिनियन देनी पड़ेगी, एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि कंट्रोल जो पर्टिकुलर कंट्रोल्स हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक काम कर रहे हैं, एक एक्सेप्टेबल लेवल के तक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो एक्सेप्टेबल रिस्क हम जो डिफाइन करेंगे, जो मैनेजमेंट एक्सेप्टेबल रिस्क डिफाइन करेगा, उस लेवल तक हम उस लेवल तक कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। तो बेसिकली बहुत टाइप के कंट्रोल्स हैं और वही स्कोप होगा ऑडिट का। जनरली जो कंट्रोल्स देखने होंगे स्कोप ऑफ ऑडिट वही होगा, क्योंकि हम क्या है, किसका ऑडिट कर रहे हैं, कंट्रोल्स का ऑडिट कर रहे हैं। तो आईटी कंट्रोल फ्रेमवर्क है सबसे पहले, आईटी पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन ऑफ आईटी और जनरल कंट्रोल्स, कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे आईटी कंट्रोल फ्रेमवर्क में, यानी पॉलिसी प्रोसीजर सारी चीज़ें, एक फ्रेमवर्क बनेगा। मतलब सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी से लेकर पॉलिसी प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, इन सब से एक आईटी का फ्रेमवर्क बनेगा, आईटी कंट्रोल का एक फ्रेमवर्क बनेगा। उसको ऑडिट करेंगे, टोटैलिटी में ऑडिट करेंगे, मतलब स्ट्रेटेजिकली हम ये देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का की थिंकिंग क्या है और उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली आईटी की थिंकिंग क्या है। आईटी की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से अलग तो नहीं है, दोनों एक दोनों गोल्स में कॉन्ग्रेंस है कि नहीं है, दोनों गोल एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आईटी का गोल हेल्प करता है कि नहीं करता है, और इसी तरीके से कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो हम वो सारी चीज़ देखेंगे, ब्रॉड परस्पेक्टिव में देखेंगे कंट्रोल फ्रेमवर्क। जब हम अगर हमारा स्कोप आईएएस ऑडिट ऑडिट का स्कोप अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, आईटी कंट्रोल फ्रेमवर्क को टेस्ट करना और उसके खिलाफ उसके रिगार्डिंग एश्योरेंस देना है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम पूरे पॉलिसी को देखेंगे, प्रोसीजर्स को देखेंगे और देखेंगे कि वो फ्रेमवर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स चेक करने के लिए बोला जा सकता है हम, तो हम देखेंगे आईटी की रिलेटेड एक्टिविटी सेग्रीगेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले सेशन में बोला कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सिस्टम से खत्म होता चला जा रहा है, प्रोसेसेस ऑटोमेट होती जा रही हैं। लेकिन जब हम आईटी एक्टिविटीज़ बनाएंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर्स, आईटी एक्टिविटी डिज़ाइन करेंगे, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो पहले उसे डिज़ाइन करेंगे और फिर उसके बाद एक डेवलप करेगा, तो वहाँ पर सेग्रीगेशन है कि नहीं है, मालूम पड़ा डिज़ाइनिंग की हमने, एक आदमी ने डिज़ाइनिंग की और दूसरे आदमी ने उसका सॉफ्टवेयर का कोड्स बनाया। लेकिन अगर दोनों आदमी एक हैं तो हो सकता है वो एक दूसरे के साथ कोलिजन कर लें और कोलिजन करने के बाद उसमें एक ट्रोजन हॉर्स डाल दें। जैसा कई बैंक्स वगैरह में हुआ, बैंक्स में एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हो गया जिसमें हर एक अकाउंट से आधा पैसा या एक पैसा या नियरेस्ट राउंड ऑफ जो का अमाउंट जो होता था वो चले जाता था, वो छोटा पैसा होता था, कोई उसको ध्यान भी नहीं देता था एक, और फिर वो थोड़े थोड़े पैसा करके बहुत सारा पैसा हो गया, क्योंकि हर एक अकाउंट में से स्लाइसिंग टेक्निक्स यूज़ की गई, हर एक अकाउंट्स में से एक छोटा अमाउंट निकाल कर एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल दिया गया और उस अकाउंट में कम्युलेटिव अमाउंट बहुत बड़ा हो गया। ये हमने स्लाइसिंग टेक्निक्स में पढ़ा।
तो ये हुआ कैसे, क्योंकि ट्रोजन प्रोग्राम डाल दिया गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर जो प्रोग्रामिंग के बंदे हैं उसमें प्रॉपर सेग्रीगेशन आईटी एक्टिविटीज़ का नहीं हुआ था, तो इनकम्पेटेबल एक्टिविटी आईटी जो एक्टिविटी है उसका हमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स चेक करने पड़ सकते हैं। जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स या सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कंट्रोल्स होते हैं लगाए जाते हैं वो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, तो उसी से आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल से होता है। तो सिस्टम में लॉजिकली हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स ही हमें अलाउ करता है लॉजिकली घुसने के लिए, वो मना कर सकता है अगर हम अनऑथराइज्ड व्यक्ति हैं। इसके बाद एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट होते हैं। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स फिजिकली एक्सेस करने से हमें रोकते हैं अगर हम अनऑथराइज्ड पर्सन हैं। और ये क्या होता है कि फैसिलिटी या आईटी जो फैसिलिटी है उसमें लगाए जाते हैं ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। इसके बाद एनवायरमेंटल कंट्रोल्स होते हैं, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स पर्टिकुलरली एनवायरमेंट स्पेसिफिक कंट्रोल्स होते हैं, ताकि सेंसिटिव आईटी इक्विपमेंट है टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पर फ्लड ना आए, अर्थक्वेक ना आए, थंडरस्टॉर्म ना आए, ये सारी चीज़ें देखते हैं, फायर वगैरह से बचाव हो, तो ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स हैं। इसके बाद आईएएस ऑपरेशन कंट्रोल्स हैं, ऑपरेशन कंट्रोल्स जो हैं डे टू डे ऑपरेशंस के जो कंट्रोल्स हैं वो आईएएस ऑपरेशन कंट्रोल्स हैं। एसडीएलसी कंट्रोल्स हैं, अगर आप सिस्टम को डेवलप कर रहे हो तो आपके डिज़ाइन डेवलप टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर उसको उस वहाँ पर जो कंट्रोल्स लगे हैं उसको चेक करोगे। बिजनेस कंटिन्यूटी कंट्रोल है, अगर डिज़ास्टर या बिजनेस कंटिन्यूटी किस तरह से आप मैनेज करोगे, सही तरीके से उसके लिए प्लान बनाए कि नहीं बनाए, पॉलिसीज़ हैं कि नहीं है, तो इस सब को ऑडिट करोगे तो वो जो है उसके कंट्रोल्स को जो ऑडिट करोगे तो बिजनेस कंटिन्यूटी कंट्रोल्स में आएगा। तो बेसिकली ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारी स्टडी में ये बोला है कि ये चीज़ें स्कोप में लिखी जा सकती हैं, ऑडिट के स्कोप में ये लिखी जा सकती है। मतलब ये है कि आप कहीं पर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको कहा जा सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो स्कोप हो जाएगा, आप उस पर्टिकुलर एरिया का स्कोप हो जाएगा। इसके अलावा हमारी स्टडी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करती है, आईएएस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करती है। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या हुआ आईएएस ऑडिट का, आईएएस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट अगर आप करोगे तो आप कुछ चीज़ एश्योर करोगे, आप कुछ चीज़ एश्योरेंस करने जा रहे हो, वहाँ पर कुछ ओपिनियन देने जा रहे हो, या तो ओपिनियन देने जा रहे हो या कुछ एश्योर करने जा रहे हो, या एश्योर करने ये जा रहे हो कि भाई आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स हैं आईटी कंट्रोल्स हैं या इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ओपिनियन दोगे उसके रिगार्डिंग, अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आप सही तरीके से बताओगे कि सही तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट दोगे, तो एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करोगे, 100% एश्योरेंस नहीं है, एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करोगे मैनेजमेंट को कि क्वालिटी के टर्म्स की जो आई कंट्रोल्स लगे हैं वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मीट आउट करते हैं। मतलब उसमें इफ़ेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, इकोनॉमी है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो क्वालिटी गाइडलाइंस मीट आउट करेंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट आउट करेंगे। दूसरा चीज़ आप ये देखोगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल आईटी रिस्क से बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, जो आईटी रिस्क है वो कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी CIA तीन चीज़ें हैं। तो आपका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं है, नीड टू नो नीड टू डू के बेसिस पर ऑथराइज्ड है कि नहीं है, जिसको ऑथराइजेशन होता है उसको डेटा का एक्सेस मिलता है, जिसको ऑथराइजेशन नहीं होता है उसको डेटा का एक्सेस नहीं मिलता है। इसी तरीके से इंटेग्रिटी है, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं, डेटा सही तरीके से रखा जाता है जिस वे में रखना है, जिस फॉर्म में रखना है उस फॉर्म में रखा जाता है। अवेलेबिलिटी यानी कि जिस व्यक्ति को अवेलेबल होना चाहिए डेटा अवेलेबल होना चाहिए, सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, जो भी आईटी का रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए वो राइट टाइम पर अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कंप्लायंस और रिलायबिलिटी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडहेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। तो आईएएस ऑडिटर क्लाइंट को ये सब चीज़ में हेल्प करता है। और उसके बाद क्या है कि उसको रिस्क बताता है,
उसको रिस्क अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, उन रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। और ये आईटी ऑर्गेनाइजेशन को जब रिस्क बता रहा होता है तो आईटी ऑर्गेनाइजेशन को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी पता चल रहा होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, 4-5 साल में एक जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो बाहर अगर आप इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हो तो नए टाइप के थ्रेट्स आपके पास आते चले जा रहे हैं। तो थ्रेट्स को आपको मिटिगेट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए आपके पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ हार्डवेयर, लेटेस्ट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आईटी रिस्क है। तो जो ऑडिटर है वो बताता है कि भाई आपके सिस्टम में क्या रिस्क हैं, इनहेरेंट रिस्क क्या हैं, बाकी रिस्क क्या हैं, आईटी से रिलेटेड रिस्क क्या हैं। तो आपको लीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताता है और फिर आपको बताता है कि किस तरीके से आप कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सबसे आगे रहें। एक नॉलेज हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ पर वो स्टैंड कर रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, वो एक बेंचमार्किंग के रूप में भी काम करता है। उसके अलावा ऐसा है कि अगर ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं, उसने कोई स्पेसिफिक स्कोप दिया हुआ है, स्पेसिफिक नीड्स हैं, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट उनको अप्राइज करेगा, उनको रिपोर्ट देगा। तो बेसिकली ये सारे काम होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के। तो बेसिकली फिर से समराइज़ किया जाए तो हमारी स्टडी वही चीज़ बार बार कह रही है। हमारी स्टडी ये कह रही है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएएस ऑडिट के बारे में बता रही है, और वो कह रही है कि वही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो नॉर्मल इंटरनल ऑडिट करते समय हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एसेट को सेफ गार्ड करना है, यहाँ पर भी एसेट को सेफ गार्ड करना है, यहाँ पर आईएएस एसेट को सेफ गार्ड करना, कंप्यूटर डेटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना क्या है, प्रॉफिट है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जनरली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कमाना होता है। तो बेसिकली ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को अचीव करने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पेशलाइज्ड एसेट आ गया है जिसका नाम इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट है, और उसके प्रस्पेक्टिव में उसे ऑडिट करना पड़ता है। तो जो अगर मान लिया सपोज ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो वो ये एश्योर कराता है कि सारे कंट्रोल प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंटेड हैं और सही तरीके से हैं, और वो एरियाज आइडेंटिफाई करता है जहाँ पर कंट्रोल को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे क्या है, पोटेंशियल लॉसेस कम हो जाएंगे। एक चीज़ और है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो है वो स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रोग्राम को भी देखता है और पूरी डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को भी देखता है, और कई जगह पर स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स को स्पेसिफिकली देगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है तो उसको डेफिनेटली वो देखेगा। तो यानी कि वो एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल तो देखता ही, इंडिविजुअल स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स के टर्म्स में भी देखता है। और पर्टिकुलरली जब ऑडिट करता है तो वो देखता है कि कौन से क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, कौन से क्रिटिकल कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, और जो क्रिटिकल होते हैं उनके केस में तो वो देखता है कि हाँ इंटरनल कंट्रोल एडुकेट हैं कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी देखेगा। मतलब जो स्कोप होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, या हम कहेंगे स्कोप ऑब्जेक्टिव, या हम उसे दूसरे टर्म्स में कहें तो फोकस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का जो होगा वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी पर तो होगा ही होगा, यानी सिक्योरिटी पर तो होगा ही होगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पर भी होगा। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि रिजल्ट ओरिएंटेशन, एक दवाई इफेक्टिव है कि नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही है। दवाई आप खा रहे हो वो कितने ही दाम की हो, कम की हो, ज़्यादा की हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी मर्ज को ठीक कर रही है कि नहीं कर रही। अगर मर्ज को ठीक कर रही है तो इफेक्टिव है, यानी गोल ओरिएंटेड है कि नहीं है, इफेक्टिवनेस का मतलब ये है। एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी, पहले तो आपका कैंसर हो गया तो पहले तो गोली तो अवेलेबल हो जो कैंसर को ठीक करे, इफेक्टिव तो हो कैंसर को ठीक करे, फिर उसके बाद एफिशिएंसी आती है, कौन सी गोली एफिशिएंटली काम करती है, जल्दी काम करती है, क्या कहते हैं, कम जल्दी काम करती है। अगर दो गोलियां साथ में काम कर रही हैं तो कौन सी ज़्यादा एफिशिएंसी दे रही है, जिसकी कॉस्ट कम है, जिसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम है। तो बेसिकली आप CIA तो देखोगे ही, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी के टर्म्स में देखोगे ही देखोगे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी देखोगे। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब कंप्यूटर एक, अगर मान लीजिए सपोज हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक इन्वेंटरी सिस्टम है, तो इन्वेंटरी सिस्टम
मैनुअल मेथड्स में भी डेवलप हो सकता है और कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है। अब क्या है, इन्वेंट्री ज़्यादा होने लगी, धीरे धीरे इन्वेंट्री बढ़ती चली गई, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता चला गया, आप अभी भी मैनुअल सिस्टम यूज़ कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ता चला गया, टीडीएस है, पोटेंशियली एरर भी हो सकते हैं, लेकिन एरर अभी नहीं हो रहे, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ऐसा है कि राइट टाइम पर आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो जाता है, प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती हैं, आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टाइम में मिल जाती है, यानी इफेक्टिवनेस है। मतलब एक अकाउंटेंट होता है बड़े मैनुअली तरीके से काम कर रहा होता है, लोग कहते हैं कि यार ये मैनुअल तरीके से काम कर रहा है, कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहा है, ये है, लेकिन वो काम सही टाइम पर करके दे देता है आपको, कैसे देता है वो बात अलग है। वो आई टी का यूज़ नहीं करता, मैनुअल प्रोसेसेस यूज़ करता है, कंबरसम यूज़ करता है, लेकिन राइट टाइम पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, टाइम आपको पता होगा ये अकाउंटेंट टाइम पर आपको चीज़ें दे देगा, तो ये इफेक्टिवनेस होती है। इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आपको बिजनेस प्रोसेस जो है, जो भी उस बिजनेस प्रोसेस के गोल्स हैं, वो टाइमली मैनर में, करेक्ट मैनर में, कंसिस्टेंट मैनरों में और यूजेबल मैनर में आपको मिल रहे हैं। यानी कि आपको एक पर्टिकुलर रिपोर्ट चाहिए, अकाउंटेंट है कैसे भी रिपोर्ट निकाल के आपको दे देता है, टाइमली दे देता है, करेक्टली दे देता है, और हर मंडे को आपके पास रिपोर्ट आ जाती है, और सही तरीके से दे देता है, जिस तरीके से आपको चाहिए यूजेबल मैनर में दे देता है। तो इफेक्टिवनेस है, यानी कि वो अकाउंटेंट इफेक्टिव है, लेकिन एफिशिएंसी हो ये ज़रूरी नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट हो, ऑप्टिमल कॉस्ट में कंप्लीट हो। तो आप किसी भी मालूम बड़ा एक आप आपके पास सपोज़ एक कंप्यूटर है, उसमें एक फ्लॉपी डिस्क लगाते हो आप, पे पुरानी होगी फ्लॉपी डिस्क, आजकल यूज़ नहीं होती, लेकिन चलो फ्लॉपी डिस्क वाला कंप्यूटर, फ्लॉपी डिस्क लगाते हो, डेटा निकालते हो, डेटा कम है, फ्लॉपी डिस्क लगाते हो, निकालते हो, जो भी करते हो, और पेन ड्राइव भी उसमें यूज़ करते हो, जब तक डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है दोनों चीज़ें एफिशिएंट है, डेटा बहुत कम है दोनों चीज़ें एफिशिएंट है, लेकिन एक टाइम आएगा जब फ्लॉपी डिस्क एफिशिएंट नहीं हो जाएगी, पेन ड्राइव ही एफिशिएंट रहेगी। तो एफिशिएंसी फोकस करता है कि रिसोर्स ऑप्टिमल, आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिव और इकोनॉमिकल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक अकाउंटेंट होता है वो राइट टाइम पर आपको इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो अपना बाकी टाइम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा है। मतलब वो एफिशिएंटली काम कर सकता है, एफिशिएंसी से औरों की हेल्प कर सकता है, गोल्स को रीच करने के लिए एफिशिएंट तरीके से गोल्स को रीच करना, वो एफिशिएंसी होती है। मतलब दो तरीके, दो चीज़ें हैं, एक इफेक्टिवनेस है, एक एफिशिएंसी है, दोनों गोल्स को रीच करती हैं। इफेक्टिवनेस जहां आपने गोल ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर दिया, वहां इफेक्टिव हो गए, टाइमली मीट आउट कर दिया, करेक्टली मीट आउट कर दिया, कंसिस्टेंटली मीट आउट कर दिया, यूजेबल मैनर में मीट आउट कर रहे हैं आप, तो इफेक्टिवनेस है। लेकिन एफिशिएंसी के लिए शॉर्टेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव और इकोनॉमिकल चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, इकोनॉमिकल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज होना पड़ेगा। एफिशिएंसी बेटर होती है इफेक्टिवनेस से, क्योंकि एफिशिएंसी गोल तक तो पहुंचती है लेकिन ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करती है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास कंप्यूटर के कंप्यूटराइजेशन बढ़ता जा रहा है, और कंप्यूटराइजेशन बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है कि नए नए 4-5 साल में तो पूरी जनरेशन चेंज हो जा रही है कंप्यूटर की। तो कहने का मतलब ये है कि हर कुछ साल बाद ये एफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही है, मतलब लेसर रिसोर्सेज में आप ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दो चीज़ें हैं। और जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप दो चीज़ें जरूर देखोगे। पहली चीज़ें देखोगे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, यानी सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है, वेल एंड गुड। उसके बाद आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी देखोगे। इफेक्टिवनेस रिजल्ट ओरिएंटेशन होता है, एफिशिएंसी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। एफिशिएंसी में गोल में तो पहुंचते हैं लेकिन उसका इम्फेसिस ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये चीज़ें देखोगे तो यानी कि आप टोटलिटी में जो है, एक तो स्कोप देख लोगे जो भी स्कोप है ऑडिट का, दूसरा आप सिक्योरिटी देखोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी देखोगे, उसके बाद इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी देखोगे। इसके अलावा अगर आप कोई प्रोसेस को देखोगे तो उस प्रोसेस को ऑब्जेक्टिव, उस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट करोगे। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो तो आप रिस्क रैंकिंग करोगे,
तो आप जो ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होगा उस पर ज़्यादा ध्यान लगाओगे, क्योंकि एज एन इंटरनल ऑडिटर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, बहुत सारे ट्रांजेक्शन से बहुत से एरिया देखने के, तो आप उन एरियाज़ को देखोगे जो भी एरिया जहाँ पर जो क्रिटिकल सिस्टम है जहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच आप करोगे, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो है उसमें एक एडिशनल चीज़ ये है कि वो रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच फॉलो करता है, जो आप प्रायोरिटाइज कर दोगे ये आइटम है, ये प्रायोरिटाइज है, और वो प्रायोरिटाइजेशन कैसे करोगे, रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू करोगे, रिस्क असेसमेंट के थ्रू करोगे। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, रिस्क असेसमेंट होता है, हमने ये पढ़ा, और उसके बाद ये आप उसको ऑडिट करोगे और फिर उसके बाद रिपोर्ट दोगे। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करोगे।